1,40,00,000 रुपए खर्च करने के बावजूद भी नहीं मिल रही गांव वालों को पुलिया की सुविधा। समस्या जस की तस है, कोई नहीं देख रहा है, ना कोई ध्यान दे रहा है। कैसे होगा विकास, कैसे होगा काम? पारसियों ने तहसील में उमरी माहौली गांव को जोड़ने के लिए पिछले कई सालों से उमरी माहौली रास्ते पर नाले के ऊपर पुलिया बनाया गया। पारसियों ने तहसील में उमरी माहौली गांव को जोड़ने के लिए पिछले कई सालों से उमरी माहौली रास्ते पर नाले के ऊपर पुलिया बनाने की मांग की जा रही थी। गाँव वालों ने बड़ी मेहनत से यहाँ पर पुलिया बनाए जाने की मांग लगाए रखी थी, जो इस मांग को 3 साल पहले मानी गई। उसी के मद्देनजर यहाँ पर पुलिया बनाने के लिए 1,40,00,000 रुपए मंजूर किए गए थे। इस वजह से बरसों पुरानी मांग पूरी होते गाँव वालों में खुशी की लहर दिखाई दे रही थी। पुलिया का काम बड़ी ही गर्मजोशी से किया जा रहा था। यहाँ के पूर्व विधायक के हाथों 10 फरवरी 2017 में यहाँ पर उद्घाटन भी किया गया। पुलिया बनते गया, वही पुलिया की लागत का पैसा भी लगते गया। तभी मजदूर निधि खत्म होने से एवं निर्धारित काम बढ़ने से इस पुलिया का काम बीच में ही ठेकेदार ने रोका, जो आज तक काम रुका हुआ है। जहाँ की उमरी माहौली रास्ता जिला परिषद बांधकाम विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। वही इस रास्ते की दुरुस्ती, डाबरीकरण एवं पुलिया निर्माण के काम के लिए 1,40,00,000 रुपए आदिवासी उपाय योजना के माध्यम से आए थे, पर इस पुलिया को आधा अधूरा बनाया गया, जो आज तक पुलिया का काम पूरा न होने से यहां के नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी रास्ते पर एक पुराना पुलिया जो जर्जर हो चुका है, वह भी कभी भी क्षतिग्रस्त होकर गिरने की संभावना जताई जा रही है। जानमाल का खतरा भी होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। इस पुलिया से रोजाना हजारों लोग आना जाना करते हैं। नया पुलिया बनने के बाद यहाँ के गाँव वालों को सुविधा मिलने की संभावना थी, जो आज पुलिया आधा अधूरा होने से यहाँ के लोग इस पुलिया का उपयोग नहीं कर सकते। पुराना पुलिया क्षतिग्रस्त हो गया है तो यहाँ के आने जाने का संपर्क सभी गाँव से टूट सकता है। पिछले 3 सालों से यहाँ का पुलिया का काम निर्माण काम निधि के अभाव से पूरा नहीं हुआ, जो चिंता का विषय है। सभी आजी माजी विधायकों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज भी माउली उमरी पुलिया का काम अधूरा पड़ा है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी नागरिकों को इस पुलिया का लाभ नहीं मिल रहा। नागरिकों में प्रशासन एवं लोक प्रतिनिधि के खिलाफ रोष देखने मिला, इसलिए यहाँ के नागरिकों ने प्रशासन एवं लोक प्रतिनिधि से गुहार लगाते हुए इस पुलिया का काम जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की जा रही है। अगर यह पुलिया जल्द से जल्द नहीं बनाया गया तो यहाँ पर आंदोलन किए जाने की संभावना जताई गई है। पुल है, हा पुल जीर्ण झाल्यानंतर, जुना पुल जीर्ण झाल्यानंतर 2018 नवीन पुलाचे बांधकाम सुरू करण्यात आलेलं होतं, आणि या पुलाचे अंदाजपत्रक हे 1,40,00,000 रुपयाचं होतं। तर कंत्राटदाराने एका वर्षामध्ये या पुलावर पिल्लर कडून तयार करून एवढं बांधकाम पूर्ण केलेलं आहे, आणि त्यानंतर कंत्राटदाराचे 70,00,000 रुपये हे गव्हर्नमेंटकडे बॅलन्स होते, परंतु प्रशासन त्याचे पैसे पूर्णतः देऊ शकले नसल्यामुळे कंत्राटदारांनी पुढील काम हे थांबवलेलं होतं। आता हा जो जीर्ण झालेला पूल आहे, हा जीर्ण झालेला पूल कोणत्याही क्षणी तुटू शकतो। जर कॉन्ट्रॅक्टदाराला या कामाचे पैसे पूर्ण मिळाले असते तर हा पूल तयार झाला असता। इथे याच्या बाजूला एक जुना पूल आहे, तो अतिशय जीर्ण झालेला आहे, ज्यामुळे तो पूल केव्हाही तुटू शकतो आणि केव्हाही तो पडू शकतो। त्यामुळे या पुलाच्या बांधकामात हा पूल जसा तुटणार आहे, त्यामुळे हा इथं पुलाची व्यवस्था करण्यात आली होती। पण मागील 2-3 वर्षाच्या आधी हा पूल बनल्यानंतरही याचे अर्धवट काम इथे झालेलं आहे। NBC न्यूज के लिए पारशिवनी से रुपेश खंडारे की रिपोर्ट।